सुरभि स्टोर में शिवसेना का हल्दी कुमकुम समारंभ, सभी धर्मों की हजारों महिलाओं ने लिया हिस्सा। सुरभि स्टोर के हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर के पास हल्दी कुमकुम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सुरभि स्टोर के पूर्व नगर सेवक और शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी ने किया था। हल्दी कुमकुम समारंभ में हजारों की संख्या में सभी धर्मों की महिलाएं मौजूद रहीं। इस अवसर पर युवा नेता महेश कुलकर्णी ने कहा कि क्षेत्र में रहने वाले लोग हमारे परिवारजन हैं, इसलिए हम सब सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में हमारे परिवार के लोग मुझे आशीर्वाद जरूर देंगे। वहीं शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी ने कहा कि हम पिछले 25 सालों से एकता के भाव से एक साथ काम करते आ रहे हैं। हम जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता के धर्म को मानते हुए लोगों की सेवा करते हैं। सुरेश कुलकर्णी ने कहा कि आने वाले कुछ ही दिनों में सुरभि स्टोर में जच्चा बच्चा अस्पताल शुरू हो जाएगा, जिससे यहाँ के लोगों को डिलीवरी के लिए वाशी और नेरुल के अस्पतालों में भटकना नहीं पड़ेगा। गणपति रेंदो, यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग एक जगह पे आके, वहाँ पर मुस्लिम समाज के हो, बुद्ध समाज के हो, तो जो भी समाज के सब एक जगह पे आके ये कार्यक्रम हम लोग लेते हैं। हम लोग ऐसा भेदभाव नहीं किया कि उस जगह पे वो ये जात का है, वो जात का है। हम लोग ये करते नहीं, एक घर का परिवार के हिसाब से हम लोग ये काम कर रहे हैं, और वो हिसाब से हम लोग आज तक एक परिवार, एक हमारा सब पूरा परिवार है, उनका दुख सुख में जो भी काम है हम लोग मदद के लिए जाते हैं, वो हमारा मदद के लिए आते हैं। तो वैसे मिल के हम लोग सब लोग काम करते हैं। आज 25 साल से नगर सेवक हम लोग को ही चुन के दे रहे ले, इसके आगे भी हम लोग को ही चुन के देंगे। जो भी कुछ समस्या होगा उनका, हॉस्पिटल का समस्या है, उनका पॉलिटिशियन का समस्या है, जो भी उनका दुख सुख का समस्या है, वो हम बैठे बैठे हमारा ऑफिस में वो मैटर सॉल्व करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।